सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एल्विश यादव एंड आशिका भाटिया के दरमियान में क्या लफड़ा हुआ है, क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इनके दरमियान फिर से, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एल्विश यादव एक यूट्यूबर है एंड वो रोस्टिंग वाले वीडियोस बनाते हैं एंड इन्होंने पहले भी कई बार जो है आशिका भाटिया को रोस्ट किया हुआ है एंड इसी के साथ साथ इनकी आशिका भाटिया और इनके बीच दरमियान जो है कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एल्विश यादव जो है आशिका भाटिया को डंपर के अलावा और कुछ नहीं बोलते। एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी ही स्टोरी पोस्ट की थी, चलिए वो स्टोरी हम देख लेते हैं। भाटिया, ओ सॉरी डंपर। सो फाइनली इसकी रिप्लाई में जो है आशिका भाटिया ने एक रील्स वीडियो बनाई है, तो चलिए वो वीडियो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा डंपर कौन। फिर उसके बाद रोज गुप्ता जो कि उनके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने कहा ए लफड़ा। फिर आशिका भाटिया ने कहा खुल्लम खुल्ला। फिर आशिका भाटिया ने एक और स्टोरी पोस्ट की और कहा है एल्विश, मजाक से हटके अब हिंदी में बोलूंगी, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि वेस्टर्न लैंग्वेज का यूज कर रही, और ना ही कोई वुमन कार्ड प्ले करूंगी, सेक्शन और आर्टिकल में नहीं जाऊंगी। साइबर बुलिंग और बॉडी शेमिंग एक क्राइम है और आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकती हूँ मैं, आप इसको धमकी समझो या मशवरा। अगली बार लीगल एक्शन लेने से नहीं रुकूंगी, आप जैसे लोगों को लगता है मैं कुछ भी बोलूंगा और बचकर निकल जाऊंगा, ध्यान रखिएगा और जरा सोचिएगा इस बारे में, मजाक और बदतमीजी में फर्क होता है। जिसके बाद इसके रिप्लाई में एल्विश यादव ने कहा है आशिका, मजाक हटके हिंदी में बोलूंगा, नहीं तो फिर बोलूंगी हरियाणवी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ मैं, और ना ही मैं कोई यूट्यूबर कार्ड प्ले करूंगा, अल्सो आपको पता है कि कौन स्टैंड करता है, सेक्शन और आर्टिकल पे भी नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे भी पता है साइबर बुलिंग डेफेमेशन और बॉडी शेमिंग एक क्राइम है और आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हो, और ना ही मैं इसको धमकी लूंगा और ना ही मशवरा लेता हूँ मैं, आपको लगता है लीगल एक्शन सही रहेगा तो वो सही, और बचकर निकलना होगा तो वहाँ से भी बचकर निकल जाऊंगा, आप भी ध्यान रखना और सोचना इस बारे में, चलो मैं भी चलता हूँ, किसी का रोस्ट करने जाना है। सो गाइस, इससे रिलेटेड और भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि बाय बाय।